solo solo. Solo solo. Finish. Solo solo. Come on, come on. Sir. Sir. Why? Say a bit. Can we do three photos? No. Pooja ji se picture ho jayega. Aisa hota hai track. पूजा मैं आपका सोलो है पूजा मैं आपका सोलो शी इज पैरानॉइड अबाउट द क्लाउड Thank you. Thank you, thank you. Yeah, yeah. Okay, so first of all, congratulations. Cabaret आने वाली है 9th of Jan को Zee5 के actor. तो आप लोग बताइए कितने excited हैं आप लोग इसको लेकर and Sreesanth जी हम आप कह सकते हैं कि आपकी इनिंग पे इनिंग आप खेल रहे हैं लाइक क्रिकेट की दुनिया से हमने आपको देखा है आपने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए पहले तो आपने पूछा कि हम कितने एक्साइटेड हैं फिल्म कैबरे जो 9 जनवरी को जिसका डिजिटल वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है इसे प्रूव करने के लिए कि हम बड़े एक्साइटेड हैं फिल्म का एक गाना है जो ऋषा चड्डा ने किया है लेकिन बैठे बैठे उसके ऊपर एक्साइटेड डांस श्रीशांत करके दिखाएंगे कमान कमान अरे अलग इनिंग है इसमें मेरा गाना गाना नहीं है लेकिन ये पिक्चर में नहीं है मैं गाते अच्छे नहीं हूँ मैं डांस अच्छा करता चलिए जी आप गाएंगे पीछे से प्लीज जी पिक्चर का वो सिर्फ आखिरी शाम में वो हमारे ऐसे अभी इंटरव्यू हुआ तो सर बार बार बोल रहे हैं जरा एक बार आप डिप्सिंग करेंगे ये गाएंगे हाँ जी हाँ और प्लेबैक वो करेंगे प्लेबैक शुरू कर रहे हैं चलो मैं इतना बोलना चाहूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा आखिरी शाम है जग रे राम है आखिरी शाम है नहीं पता है मुझे इसमें मैं एक्चुअली डांस नहीं कर रहा हूँ तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ऋषा चड्डा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्म किया है और ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मेरा पूरा कोशिश ये था कि मैं इसको पूरी अच्छे दिल से निभाए और पूजा दी ने अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे तो होपफुली दिस विल हेल्प मी टू गेट फर्दर रोल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है और हमेशा सर हमें हमेशा बोलते हैं क्योंकि ये
सिर्फ एक छोटे पर्दे के लिए नहीं था, बड़े पर्दे के लिए प्रॉपर बॉलीवुड, बिग बॉलीवुड रिलीज था. तो हर डिटेल्स बहुत ठीक तरह से, जैसे पूजा दी हमेशा एक एक चीज़ सोच समझ के टाइम लेके, इट्स लाइक ए बेबी फॉर, इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी प्रोजेक्ट विच शी डज. सो उनमें एक किरदार प्ले कर रहा हूँ चेटा करके. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम, स्पेशली पूजा दी एंड महेश सर. एंड आई वॉज वेरी लकी टू सी हिम वर्क एंड यू नो हैव एन इंटरेक्शन विथ हिम एंड ऑल्सो दैट हेल्प मी इन द नेक्स्ट मूवीज विच आई डिड, लाइक आई डिड कपल ऑफ अदर मूवीज ऑल्सो. तो अभी फ्यूचर में भी अभी ये वर्क करने के बाद मैं एक्साइटेड तक कब रिलीज होंगे. और मुझे आई एम रियली एक्साइटेड नाउ क्योंकि डिजिटली डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी देख सकता है और हर किसी का. नहीं बिल्कुल, जैसे सही कहा आप, पहली बात तो ये कि बिल्कुल वाकई एक्साइटेड हैं. दूसरी बात ये कि ये सिनेमा, बड़े सिनेमा के लिए, बड़े पर्दे के लिए बनाई गई ये फिल्म. और जैसे कि समय के साथ चलना, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. फिल्म बनाने वालों ने डिसाइड किया कि ये पिक्चर सिनेमा घर में नहीं दिखाई जाएगी, ये पिक्चर डिजिटली दिखाई जाएगी, डिजिटली प्रीमियर किया जाएगा, वर्ल्ड प्रीमियर 9 जनवरी को. और इसमें जो डिजिटल व्यूइंग है, उन लोगों का एक्सपीरियंस एक नया पॉजिटिव शॉक होगा उन्हें कि इतनी शानदार फिल्म, क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो पिक्चरें बड़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमेशा से. ये जो पूजा भट्ट जो हैं, जो फिल्में बनाती हैं, जो कहानी चुनती हैं, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस. ऋचा चड्ढा ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, इतना वेरिएशन है उसके कैरेक्टर में कि एक गांव की लड़की रज्जो से रोज़ा तक की उसकी जर्नी, उस जर्नी में क्या कहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कुछ उसके अच्छा करते हैं, कुछ उसका बुरा करते हैं, कुछ उसका अच्छा करते हैं, कुछ उसका बुरा करते हैं, कुछ उसका अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, वो पता चल जाए. ट्रेलर में तो मेरे साथ धोखा हुआ. वो क्या है कि ट्रेलर में मेरा रोल कटवा दिया लोगों ने, इसीलिए कंफ्यूजन. हाँ, वो पता नहीं लगा. इतना बोलना चाहूँगा कि आप बार बार देखें, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है. ये सस्पेंस थ्रिलर है और इधर रिचा भी विलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर. आपको देखना चाहिए. आप गुलशन देवे भी विलन हो सकता है. आप यू नो गुलशन ग्रोवर विलन नहीं है. आपको देखना पड़ेगा. मैं इतना बोलूँगा कि बहुत यू नो वी हैव बीन वेटिंग, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. और आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने एक भी बार पूरी मूवी देखा भी नहीं है. तो मे भी सीधा Zee5 डिजिटल में अपने डाउनलोड करके यू नो यूनिट के साथ देखूंगा. और ये जो मेरा जो दूसरा सवाल ये था कि डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट की दुनिया से हमने देखा बिग बॉस, वहाँ पर आपको आपके डिफरेंट अंदाज हमें देखने को मिला. देन आप कैबरे, ये जो डिफरेंट इनिंग आप खेल रहे हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं आप? नहीं, भगवान के शुक्र है, भगवान के शुक्र अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है. पापा ने हमेशा एक ही बात सिखाया कि कोई भी चीज़ कर रहे हो आप, पूरे दिल से और शिद्दत के साथ करना. और भगवान की कृपा से जब मैं क्रिकेट खेलता था पूरे दिल से और पूरी शिद्दत के साथ खेलता था. और केरल का एक लड़का, कभी सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर के मिल पाएंगे. उसका फिलअप करके मैं सोचता था कि सचिन तेंदुलकर के साथ एक ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, मगर उनके साथ खेलना, उनको आउट करके एक्चुअली इंडियन टीम में आना, वो सब ड्रीम कम ट्रू था. जब उनके साथ वर्ल्ड कप की जब वो पकड़ा है और उनके साथ में खड़े होकर वर्ल्ड कप को पकड़ना, आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. तो बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला. तो उधर से जब मैं मूवी फील्ड में आया, स्टार्टिंग विद पूजा दी एंड माया सर एंड कौस्तुभ भाई एंड ऑल दैट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद ऑल दिस पीपल लेजेंड्स. सो मैं इतना बोलूँगा कि आगे भी जब भी कभी भी मैं ड्रीम करता हूँ तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रीम करता हूँ. तो अभी भी मेरा वही है कि शुरुआत इतना अच्छा हुआ है. तो मेरा अभी 2-3 मूवी कन्नड़ा में भी किया है. बिग बॉस जो भी हो, खतरों के खिलाड़ी हो, जो भी हो, वो सब हर दिन आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट. वेदर इट्स सैड, वेदर आई एम हैप्पी, आई हैव गिवन द वेरी बेस्ट एंड आई हैव ट्राइड टू बी एज रियल एज पॉसिबल. जब कोई भी कैरेक्टर भी प्ले किया, आई हैव ट्राइड माई वेरी बेस्ट टू बी एज रियल एज पॉसिबल. तो आई थिंक दैट इज़ हेल्पिंग मी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ इन लाइफ. एंड That's the best answer I can give. God's been extremely kind. So, Gulshan sir, आपने लंबा अरसा दिया है बॉलीवुड को, लेकिन जिस तरह के हालात कैटरेट के हैं, उसके लिए आप सोचते हैं कि मतलब बॉलीवुड का कोई मेंबर सपोर्ट नहीं करता या किसी आगे बढ़कर नहीं आते? किसका? जिस तरह कैबरेट
जिन हालात में थी फाइनेंशियली की प्रमोशन के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये पिक्चर बड़े पैशन से, बड़े उससे, और पैशन और डिटेलिंग की वजह से पिक्चर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगा। और जिस पावर के लोगों ने इस पिक्चर को बनाई है, उनकी पावर, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी समझदारी के सामने कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। मैं राइट करेक्ट जी? तो ये कभी कभी क्या होता है, जो थोड़ा बुरा होता है वो इवेंचुअली अच्छा हो जाता है। कि आज ये पिक्चर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो ये दो तरह से, एक तो ये कि ये वाकई, देखिए हम सैकड़ों फिल्मों में काम करते हैं, और पहले पहले मैं शुरू में मैं जब ये हर फिल्म की तारीफ करते हुए झूठ बोलता था, तो बाद में फिर मैंने कहना भी शुरू कर दिया उसके एंड में कि इस पिक्चर में हमने बड़ी मेहनत से काम किया है, पैसे भी लिए हैं, हमको कहा है प्रमोशन अच्छी करना, अब पिक्चर के बारे में अच्छा बोलना, मेरा बड़ा अच्छा रोल है, हम दोनों को साथ में काम करके बड़ा मज़ा आया, ये सब रटे हुए सवाल ज़रूर बोलते थे हम पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद जब समय ऐसा आ गया कि यार ये रटे हुए सवाल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी खामखा की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एक अपनी भी क्रेडिबिलिटी है, एक पोजीशनिंग है, तो तब मैं बात वो कहता हूँ जो मेरे मन को सही लगती है पिक्चर को लेकर। पिक्चर में हूँ इसकी खुशी है, क्योंकि इस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है भट्ट परिवार से। इसके अलावा यू नो, सिनेमा मैंने बहुत सीखता हूँ भट्ट साहब से, एंड पूजा से मेरी बड़ी गहरी मित्रता है। ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में होने की वजह से मैं यहाँ पर प्रमोट करने आया हूँ। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये पिक्चर जो है, शायद इस पिक्चर के भाग्य में था कि दूसरे डिजिटल बनाने वालों की नींदें हराम कर देना, क्योंकि जब ये इस लेवल की फोटोग्राफी, विजुअल्स, ग्रैंड प्रोडक्शन, यू नो, गाने, संगीत, म्यूजिक, कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, डायरेक्शन, यू नो, लाइक द वे द स्टोरी इज गोइंग, डिटेल्स हैव बीन वर्कड आउट, ये जब डिजिटल पर दिखाई जाएगी, तो इस पिक्चर ने डिजिटल पर आकर कुछ खलबली मचानी थी, ये शायद इसकी डेस्टिनी थी। इसलिए जिन तकलीफों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तकलीफें हुई, करेक्ट? देर आया तो दुरुस्त, हाँ, और अदरवाइज यू नो, थिएटर में लग जाती, आई एम श्योर वहाँ भी बहुत अच्छी चलती, और शायद यू नो, जितने प्रमोशन के लिए बजट चाहिए था शायद उतना ना होता, कुछ भी होता, बट राइट नाउ इट विल बी रिमेम्बर्ड एज अ फिल्म ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट केम एंड सॉर्ट ऑफ, जो लोग थोड़ी आसानी से कर रहे थे डिजिटल पर काम, या थोड़ा सो रहे थे या ईजी ले रहे थे, उनको झंझोड़ देगी, जगा देगी, ये तय है। सॉरी, नहीं, अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बिग बॉस जब किया तो सर सबने बोला था सुशांत क्यों कर रहे हैं आप, यू नो, आपको बहुत सहनना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सर्वाइव करोगे क्या? तो मैंने एक वर्ड बोला था जब मैं निकला था, मैं बोला था सुशांत जस्ट डिडंट सर्वाइव बिग बॉस, ही रूल्ड इट। तो कैबरे इज नॉट हियर टू जस्ट कम टू डिजिटल वर्ल्ड, कैबरे इज हियर टू रूल इट। क्या बात, बॉलीवुड में बात करी जाए या इंडियन सिनेमा की बात, किस तरह का बदलाव देखते हैं सिनेमा में और एक्टर्स में, क्योंकि आप न्यूकमर्स के साथ भी काम कर रहे हैं और काफ़ी सीनियर एक्टर्स के साथ भी आपने काम किया है? बदलाव सिनेमा जिंदगी हर चीज़ का हिस्सा है। बदलाव का दो तरह का रिएक्शन होता है, या तो आपसे बदलाव झेला नहीं जाता, तो आप पुराने ज़माने की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं, हमारे टाइम, हम उस वक्त। मेरी नज़र में उन लोगों की जगह, उनके उम्र से कुछ लेना देना, उनकी जगह नीम के पेड़ के नीचे बैठे वो चार छः बुड्ढों की जगह पर है, जो ये कहते रहते हैं आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, हमारे टाइम में। आपके टाइम में जो आपने किया वो रेलेवेंट था, आज के टाइम में जो ये कर रहे हैं इनकी नज़रों में करेक्ट है, ये कौन तय करेगा वो सही है, वो बेहतर है, ये बेहतर है, कोई नहीं तय करेगा। जब तक ये तय करने का मौका आएगा, और आगे आने वाले कहेंगे कि यू नो व्हाट यू गाइस डिड कपल ऑफ इयर्स बैक, इट डजंट मेक सेंस एनी मोर। सो मैं बदलाव के साथ चलता हूँ, लेकिन उतना जितना बदलाव मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, जितना मैं बदलाव के साथ जुड़ना चाहता हूँ जुड़ता हूँ, बदलाव को रेजिस्ट नहीं करता। जो रेजिस्ट करेंगे वो रह जाएंगे नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बुड्ढों की तरह से, करेक्ट है कि नहीं? Really said.
इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच टैलेंट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ बट दिस इज ब्रिलियंट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ ब्रिलियंट बिकॉज़ क्रिकेट फील्ड में स्पोर्ट्स फील्ड में जिधर से मैं आता हूं वही है कि लोग बहुत कंपेयर करते हैं आजकल के क्रिकेटर्स को पुराने क्रिकेटर्स से कंपैरिजन ही नहीं है आजकल कंपटीशन डिफरेंट है उस वक्त से कंपटीशन डिफरेंट फैसिलिटीज डिफरेंट है टैलेंट डिफरेंट है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल फॉर व्हाट दे डू सो गुलशन सर जैसा आप इंडस्ट्री का हिस्सा है मेंबर है फैमिली है तो आज सिनेमा काफी चेंज हुआ है जैसे कि एक एक्समेंटर प्राइम मिनिस्टर का वीडियो यूट्यूब से हटा दिया उनका ट्रेलर हटा गया काफी क्रिटिसाइज किया गया था उसके पहले भी काफी बार काफी फिल्मों को क्रिटिसाइज कैबरे ओनली कैबरे 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 ब्रदर मैं ज्यादा कंट्रोवर्सियल हम नहीं जाना चाहते सिर्फ आप Zee5 डाउनलोड कीजिए और कैबरे मूवी को बार बार देखिए अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वो सीन बार बार देखें और इंकरेज करते रहना Zee5 में और मूवीज आएंगे उनको भी सपोर्ट करना जी दोनों से जानना चाहेंगे कि ऋचा जी भी हैं इस फिल्म में आज हम उनका हम कैबरे डांस भी देखेंगे तो वो फिल्म का नाम है कैबरे आप लोगों ने कितना आपके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस ऋचा तो मेरे बहुत सीन है ऋचा के साथ ऋचा शायद जो जो तकलीफ़ पहुंची है उसकी ज़िंदगी में फिल्म में शायद मेरा उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन है तो बड़े बड़ा बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है मेहनती एक्ट्रेस है और चूंकि ये रोल बड़ा चैलेंजिंग था और यहाँ पर दो डिफ़िकल्ट लोग थे एक थी पूजा भट्ट और एक पिक्चर के डायरेक्टर कॉस्टी दोनों की एक्सपेक्टेशंस दोनों का उस कैरेक्टर को लेकर जो ऋचा से ज़रूरत थी उसको निकालने के लिए यू नो लाइक शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल्सो फिजिकली उसे ट्रिमर स्लिमर बहुत यू नो लाइक सेक्सी सुंदर जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं जिस तरह की प्रेजेंटेशन है एंड ऋचा एक्चुअली इस पिक्चर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऋचा की है ये पिक्चर जब लगेगी लोग हमारे बारे में ज़रा बहुत बात करेंगे लेकिन बात करेंगे तो ऋचा की बात करेंगे सेम ऋचा के साथ काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक शी इज़ लुकिंग एट हर बेस्ट इन दिस मूवी और मुझे लगा कि जब वो रिलीज हो रहा मैं तो ऐसे ही बोलता था बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले क्योंकि कैरेक्टर ऐसा दो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते तो बहुत मुझे लगता है कि इट वॉज एन ऑनर एंड दैट शी दस अ लॉट ऑफ थिएटर ऑल्सो तो ऐसे एक एक्टर के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस वक्त पे जब मैं शुरुआत कर रहा अभी भी शुरुआत ही कर रहा हूँ तो इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इस मूवी के बाद आई रियली होप यू नो शी गेट्स बैक इनटू फिटनेस एंड वेयर शी लुक्स एट हर बेस्ट चलिए जाते आते ऑडियंस के साथ में लेकिन और आपसे जानना चाहेंगे आज ही जो हमने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज तो मैं आपको बिल्कुल ऑल द बेस्ट मैं इतना बोलना चाहूँगा वेल डन भारत की टीम हम लोग जीते उधर और बहुत सालों बाद बहुत अच्छा लग रहा है सो हैट्स ऑफ टू द टीम मैं दो तीन दिन पहले बोला था अभी केरला के एक इंटरव्यू में मैं बोल रहा था कि हमारे पास 25-30 लोग ऐसे होते हैं क्रिकेटर्स जो कभी भी किसी को भी हरा सकता है तो मुझे लगता है 2019 के वर्ल्ड कप हम लोग जीते और यू नो बहुत बहुत आगे निकले इट इज़ गुड टू विन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज अभी मुझे पूरे यकीन है कि हमारा टीम ऐसा है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया जीतेंगे थैंक यू प्लीज़ वॉच द मूवी There was a lifetime achievement award of speech made by I don't know who finally said I can reduce you from high school center. Just show up. देखिए ना
अरे उसको आ जाएंगे ना, उसके लिए तुम लोग कान माफ रख, वो आ नहीं रहा है अभी, वो बटाना बड़ा जो है गरमा गरम दिख रहा है अभी, फोन क्यों बोलना सर छोड़ दो, आगे आ गया सर, आगे बैठो थोड़ा सा, ए पीछे पीछे दादा थोड़ा, अब आपका हो गया तो ले 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 पूजा जी, हां जी सर, दिस कॉल ऑल ऑफ यू, कौन सा दिस इज द एसेंस, पूजा जी का थोड़ा आपसे ड्यूटी कॉस्टिंग है, और बेचारा कॉस्टिंग लाइक जनरल लाइक कॉल है, ऑनलाइन कॉल में दिस कॉल है यार, डायरेक्टर अच्छा कॉर्नर में आते हैं, फोटो खींच के उठू भाई रे, दम लू बोलो बोलो क्या चाहिए, माया लग रही है, कुछ चेंज कर दो गुलशन सर, कुछ चेंज कर दो, हो गया है, हां हां हो गया, थैंक यू पूजा जी और सर दोनों का, अरे समझ नहीं आ रहा, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है साथ में, साथ में यहां पे हां ना भाई, थोड़ा मैम You are very kind, sir.